हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोलों की सब्ज़ी। ये काले छोले हैं और चने भी कहा जाता है इसे। तो अभी मैं इसे रात भर के लिए भिगा के रख दूँगी। इसे 10 से 12 घंटे कम से कम भिगाना होता है। तो अभी इसे अच्छे से भीगने के लिए मैं छोड़ दूँगी रात भर के लिए। ये देखिए, रात भर ये भीग चुके हैं और इसका पानी जो है वो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो अभी ये पानी में पूरा छान लूँगी और दो पानी से इसे धो लूँगी। और जो पानी हम कुकर में डालेंगे बॉईल करने के लिए, वही पानी सब्जी में भी जाएगा। तो पानी में ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ चनों के ऊपर जो पानी आएगा बस उतना ही रखेंगे। और थोड़ा सा नमक। अभी इसकी लीड लगा के मैं इसे रख दूँगी 3 सीटी आने के लिए, अच्छे से पक जाते हैं। और तब तक यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है और एक बड़े साइज का प्याज है, तो उसका पेस्ट कर लिया है। और इसे अच्छे से अभी पकाएंगे हम, जब तक कि उसका कच्चापन जो है वो नहीं चला जाता। और अभी डाल दूंगी टमाटो प्यूरी। ये भी एक टमाटर की ही प्यूरी है, छोटे साइज़ का टमाटर मैंने लिया, उसे भी मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। और इन्हें इतना पकाएंगे कि इसका जो कच्चापन है तेल अलग छूटने तक के इसे पकाएंगे। तो अभी यह मसाला अच्छे से पक चुका है और इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है। इन्हें अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी ये मसाला अच्छे से पक चुका है और अभी मैंने इसमें मसाले का पानी डाला है ताकि जो मसाले और अच्छे से पक जाए। जब तक कि इधर मसाला पक रहा है तो मैं एक पैन में तब तक कि पानी गर्म करके उस पर चाय पत्ती का पानी मैं रेडी कर लेती हूँ। जो छोले हैं उसमें थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती डाली है और 2 कप इतना ही मैंने पानी लिया है। उसे अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से पक चुकी हैं। अभी मैं इसे छान लूँगी एक कटोरी में। यहाँ पे मसाला भी अभी अच्छे से पक चुका है तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी अभी छोले मसाला। ये 2 छोटे चम्मच मैंने मसाला लिया है छोले मसाला। मसाला भी पक चुका है तो इसमें मैं डाल दूंगी छोले। कुकर भी ठंडा हो चुका है, अभी मैंने डाल दिया है यहाँ पे छोले। फिर पानी के साथ ही मैंने डाले हैं। और अभी डाल देंगे जो पानी हमने बनाया था चाय पत्ती का, तो उसको भी मैं अभी इसी टाइम पे डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप ऐसे बना के ज़रूर देखिए। तो अभी मैं इसकी लीड लगा के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, सब्जी अभी अच्छे से पक चुकी है। आपको जिस तरह से जितनी ग्रेवी चाहिए तो आप उस हिसाब से इसे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी और अभी इसे मैंने हरे धनिए से अच्छे से गार्निश कर लिए। हरा धनिया इसमें अभी मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसे निकालूँगी एक सर्विंग बाउल में। ये देखिए, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे।
और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले कि ये कैसे बनी। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।